अध्याय 16। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन सातों स्वर्गदूतों से ये कहते सुना कि जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उस मूरत की पूजा करते थे एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उड़ेल दिया और वो मरे हुए का सा लोहू बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गए। और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उड़ेल दिया और वे लोहू बन गए। और मैंने पानी के स्वर्गदूत को ये कहते सुना कि हे पवित्र, जो है, जो था, तू न्यायी है और तूने ये न्याय किया, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्य वक्ताओं का लोहू बहाया था और तूने उन्हें लोहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। फिर मैंने वेदी से ये शब्द सुना के हाँ, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। पांचवें ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन ना फिराया। छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्य दुत्ता के मुंह से तीन अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप से निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्टात्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। देख, मैं चोर की नाई आता हूं। धन्य वो है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हर मगिदोन कहलाता है। सातवें ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से ये बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका। फिर बिजलियां और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा बड़ा भुई डोल हुआ कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भुई डोल कभी ना हुआ था। और उस बड़े नगर के तीन टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े और बड़े बाबुल का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वो अपने क्रोध की जल जलाहट की मदिरा उसे पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गए और पहाड़ों का पता न चला और आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे और इसलिए ये विपत्ति बहुत ही भारी थी। लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की।